इलाहाबाद शहर भारत के मुख्य तीर्थ स्थानों में गिना जाता है। इसे पुराने नाम प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। वहीं इसीलिए इसे तीर्थों का राजा भी कहते हैं। दोनों को मिला दें तो ये प्रयाग राज बन जाता है। प्रयागराज तो इसे प्रयाग तीर्थों का राजा उसी नाम से है, इसी नाम से था। इलाहाबाद बीच में हो गया था किन्हीं कारणों से। इतिहास उठा के देखा जाए तो उसमें पहले भी प्रयाग ही बोला जाता था और तीर्थराज प्रयाग बहुत ही पावन धरती है हमारे इलाहाबाद शहर की, तो इसका नाम जिस हिसाब से रखा है योगी जी ने बहुत अच्छा रखा है। हिंदू धर्म की एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के बाद सर्वप्रथम यज्ञ यहीं पर किया था। इसी प्रथम में से प्र निकला और यज्ञ में से याग, इन्हीं दोनों शब्दों को मिलाकर प्रयाग बना और इस स्थान का नाम प्रयाग पड़ गया। लेकिन सबसे आम धारणा यही है कि ये दो नदियों के संगम पर बसा है, इस वजह से इसे प्रयाग कहा जाता है। ब्रह्मा जी के प्रथम यज्ञ के साथ भी इसको हम जोड़ते हैं, लेकिन प्रयाग शब्द जहाँ पर दो नदियों का संगम होता है अपने आप में प्रयाग हो जाता है। आप जाएंगे उत्तराखंड में जाएंगे तो वहाँ से आपको विष्णु प्रयाग देखने को मिलेगा, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, अनेक प्रयागों के दर्शन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों में जिस प्रयाग स्थल की चर्चा है वो पवित्रतम नदी गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। यही सरस्वती नदी गुप्त रूप से संगम में मिलती है, इसलिए ये त्रिवेणी संगम कहलाता है। लेकिन 15वीं सदी में मुगल शासक अकबर के आने के बाद प्रयाग का नाम बदल गया। अकबरनामा और आईने अकबरी समेत मुगलकालीन ऐतिहासिक किताबों से पता चलता है कि 1574 में अकबर ने एक किले की नींव डाली, उसने नए शहर का नाम अल्लाहाबाद रखा। बाद में इसका नाम इलाहाबाद हो गया, जो अरबी शब्द इलाह और फारसी शब्द आबाद से मिलकर बना था। हिंदी में इन शब्दों का मतलब होता है ऐसा शहर जहाँ ईश्वर या भगवान रहते हैं। देखिए, इलाहाबाद का नाम अगर इतिहास में अगर हम बात करते हैं तो इलाहाबाद कभी नहीं था सिवाय 16वीं शताब्दी को छोड़कर, जब एक विदेशी आक्रांता जो बाहर से आए जिसका वंशज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हुआ और उसने 1576 में और क्रमशः बाद में 1583 में इसका नाम बदलकर इलाहाबाद रखा और बाद में यह नाम इलाहाबाद हो गया। लेकिन अगर इसके नाम को हम देखें तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो पुराण हो, चाहे वो तंत्र ग्रंथ हो, चाहे वो कालिदास का ग्रंथ हो, सब जगह इसका नाम प्रयाग है। इसका नाम तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थों का यह राजा माना गया है। अब साधु संतों की अपील के बाद योगी सरकार ने इसका नाम फिर से प्रयागराज करने का ऐलान किया है। पंकज श्रीवास्तव, इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए आप YouTube पर जाकर यूपी तक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook पर लाइक भी कर सकते हैं और Twitter पर फॉलो भी।